अम्मी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए अम्मी। रुकिए फारूक, आ रहे अम्मी। आ गए, दरवाजा खोलिए। आ गए आ गए। अम्मी आपको बताया जन्नी की सालगिरह थी। हाँ। हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे आए थे, हमने वहाँ बहुत सारी गेम्स खेली। अली की अम्मी को तंग तो नहीं किया? नहीं अम्मी। हम्म, हमने उन्हें जरा भी तंग नहीं किया, हमने वहाँ खूब मस्ती की। इतना मजा आ रहा था कि वापस घर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। आपके लिए खाना लगा दें? नहीं अम्मे, खाना तो हम खा के आए हैं और बहुत सारा केक भी खाया। कल आपकी भी तो सालगिरह है। हम्म, हम भी आपके पसंद का खाना बनाएंगे। सच्चो मीठान, सेवैया भी बनाओगे? हाँ फारूक, जरूर बनाएंगे। अच्छा ये पता है आज सुबह किसका फोन आया था? किसका? अबू। क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग शाम को तातारा पार्क जाएंगे घूमने। कल ठीक है, अब जल्दी से कपड़े बदल ले और हाथ मुंह धो ले। हाँ ये लीजिए। फारूक, फारूक आ रहे अम्मी। आज फिर आपकी किताब फटी हुई है, हर हफ्ते इन पर जिल चढ़ाना पड़ता है। आप संभाल के क्यों नहीं रखते? आप अपनी कोई भी चीज सलीके से नहीं रखते। हमारा आधा वक्त आपकी चीजों को ठीक करने में ही जाया। नहीं मारते अम्मी। तो फिर कैसे फट जाती है रोज? आप बड़े हो गए हैं ना, हम्म, थोड़ी समझदारी दिखाया करें। चलिए इसको छोड़िए। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? बटिस्टा। हम्म, क्या बटिस्टा? अम्मी। हम्म, वो कल हमारी सालगिरह है ना, तो उसमें हमको एक नया बस्ता चाहिए। हमने आपको दिखाया था ना बाजार में, वो वही वाला। कौन सा? हमें तो याद नहीं। हमने अब बहाने मत मारिए, अब पिछली बार भी आपने हमको कुछ नहीं दिलाया था। अच्छा पिछली बार साइकिल कौन लेके आया था? अब्बू ने दिलवाया था क्या? पर बस्ता तो नहीं दिलाया था ना। मेरे ला दीजिए ना प्लीज। आप ये सारी फरमाइशें अपने अब्बू से क्यों नहीं करते? हाँ पर अब्बू तो स्कूल के बाद आएंगे और हमें कल ही नया बस्ता लेकर जाना। अच्छा चलिए हटिए, बहुत सारे काम है, फिर नमाज का भी वक्त हो रहा है। चलिए उठाइए उसको। हमें नया बस्ता दिला दीजिए वरना हम अबू से शिकायत कर देंगे। अच्छा तो आप अब हमारी शिकायत अबू से करेंगे? बस्ता हम दिलवाएं और आपका सारा प्यार अबू को? नहीं अम्मी ऐसा नहीं है। फिर अब तो आपका बस्ता कल आपके अब्बू ही लेकर आएंगे। अल्लाह।
बंद हो जाएगा, हम बस्ता लेने कब जाएंगे? फारूक जिद नहीं करते। अम्मी हमें नया बस्ता दिला दीजिए वरना हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। फारूक फारूक बेटा उठिए वरना देर हो जाएगी। फारूक 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 बेटा अम्मी से बात नहीं करेंगे? नहीं। अपनी सालगिरह पे भी नहीं? आप हमसे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है बेटा, चलिए बाहर आ जाइए। हम आपसे बात नहीं कर रहे। अरे वाह, ये तो वही वाला बैग है। अम्मी 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 आप दुनिया की सबसे लाए थी अम्मी। अच्छा कब लाए और बताया क्यों नहीं? सरप्राइज। हम आपको बहुत परेशान करते हैं ना? नहीं बेटा, माशाल्लाह आज हमारा बेटा 7 साल का हो गया। अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। अच्छा चलिए देर हो गई। अब से कभी देर नहीं होएगी अम्मी, कभी देर नहीं होएगी। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। अच्छा पक्का? Thank you.
अरे वाह फारूक, नया बस्ता। हाँ, हमारी अम्मी जान ने दिलाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फारूक, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। हमारी सालगिरह है ना। ओ, सालगिरह की मुबारक हो। थैंक यू। नया बैग हमारी अम्मी ने दिलाया। अभी मिली ताजा तरीन खबरों के मुताबिक आपको आगाह कर दें कि दहशत गर्दों ने आज सुबह करीब 10 बजे पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के एक हॉल में घुसकर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 100 बच्चों से ज्यादा जाबहक हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। जख्मी बच्चों को फौरी इमदाद के लिए पेशावर के रीडिंग अस्पताल ले जाया गया है। पता चला है दिला दीजिए वरना कल स्कूल नहीं जाएंगे।